हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस एक्साइटिंग वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सिर्फ एक मिनट के अंदर हम बेहतरीन ट्रेड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए जो है हम मदद लेने वाले हैं पीसीआर डाटा की, कॉल पुट रेशियो की। पीसीआर जो होता है ये ऑप्शन चेन का एक जबरदस्त टूल है, ऑप्शन चेन का एक जबरदस्त डाटा है, ऑप्शन चेन का ये पार्ट होता है पीसीआर। पीसीआर एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, पुट कॉल रेशियो, जिसके अंदर जो है हम पुट और कॉल सेलर्स की वेटेज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो पुट सेलर होते हैं, पुट सेलर मार्केट को ऊपर लेकर के जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं पुट सेलर की बात कर रहा हूँ। और जो कॉल सेलर होते हैं, कॉल सेलर हमेशा मार्केट को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हमें पीसीआर कैलकुलेट करने का मेथड बताया गया है, या जो पीसीआर कैलकुलेट करने का मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है पुट सेलर की संख्या ली जाती है, जो लोग मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। लेट सपोज मान करके चलिए कि पुट सेलर की संख्या जो है 1,20,000 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से। कॉल सेलर मान लीजिए हमारे कम हैं, कॉल सेलर जो है मार्केट के अंदर 85,000 के आसपास कॉल सेलर अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डाटा निकल करके आएगा 1.41 का हमारा डाटा निकल करके आ रहा है, यानी हमारा पीसीआर रेशियो क्या निकल करके आ रहा है, 1.41 जो है हमारा पीसीआर का डाटा निकल करके आया। अब जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर पीसीआर आपका 1 से अबव है, 1 से ज़्यादा है, तो मार्केट के बुलिश होने की संभावना रहती है, ऐसा बोला जाता है। और मार्केट में अगर पीसीआर आपको 1 से बिलो दिख रहा है, 1 से नीचे है, तो मार्केट के बियरिश रहने की संभावना रहती है। बट जब आप पीसीआर को एडवांस लेवल पर सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि पीसीआर 1 से अबव होने के बाद भी मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है, इस लॉजिक को हम समझेंगे, सेम कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाले कैलकुलेशन में हमने देखा कि 1,20,000 हमारे पुट सेलर हैं, यानी मार्केट को ऊपर लेकर के जाने वाले ज्यादा लोग हैं, और मार्केट को नीचे लेकर के जाने वाले सिर्फ 85,000 लोग हैं। अब जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, तो यहां पर मान करके चलिए जो 1,20,000 पुट सेलर थे, इनकी संख्या घट करके 1,10,000 रह गई, और जो हमारे कॉल सेलर 85,000 थे, ये बढ़ करके 95,000 हो गए, 95,000 हो गए। तो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो पुट सेलर हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाने वाले हैं, उनकी संख्या घट रही है, और जो कॉल सेलर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब जब हम पीसीआर कैलकुलेट करते हैं तो अब हमें पीसीआर क्या मिल रहा है, 1.15। तो अभी भी पीसीआर जो है हमारा 1 से ऊपर है, 1 से अबव है। बट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका मार्केट जो है आपको गिरता हुआ नजर आएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, पीसीआर तो 1 से ऊपर है लेकिन मार्केट आपको गिरता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो मार्केट को ऊपर लेकर के जाने वाली फोर्स है, यानी कि पुट सेलर, उनकी संख्या क्या हो रही है, उनकी संख्या डिक्रीज हो रही है, और जो मार्केट को नीचे लेकर के जाने वाली फोर्स है, यानी कि कॉल सेलर, उनकी संख्या क्या हो रही है, उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है। तो केवल एक पीसीआर के फ्लैट नंबर को देख करके मार्केट को बुलिश या बियरिश कहना सही नहीं होगा, इसके लिए आपके पास इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो इसके रिकॉर्ड के लिए आप जो है यूट्यूब पर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारी एडवांस ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये पीसीआर का रिकॉर्ड रखते हैं। अब इस पीसीआर के माध्यम से सिर्फ एक मिनट के अंदर हमें ट्रेड कैसे मिलेगा, देखिए यहां पर आप पीसीआर देख रहे हैं, मॉर्निंग में 9:17 18 मिनट के आसपास डेटा आना चालू हो जाता है ऑप्शन चेन का। तो यहां पर 9:17 मिनट पर जो पीसीआर हमें दिख रहा है, पीसीआर देखिए आपको डार्क कलर में दिख रहा होगा, पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.01 दिख रहा है, 1.01 का पीसीआर है। बट जैसे जैसे जो है मार्केट बढ़ता जा रहा है, आपका पीसीआर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। 9:36 के आसपास पीसीआर कितना रह गया है, 0.91 पीसीआर रह गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है पीसीआर में गिरावट आती जा रही है। 10:51 के आसपास पीसीआर कितना हो गया है, 0.87 हो गया। अब इसका फायदा हमें कैसे लेना है, विद इन अ मिनट हमें जो है कैसे पता लगाना है कि मार्केट में हमें कहां पर ट्रेड लेनी। तो अगर आपको चार्ट के अंदर पीसीआर डिक्रीजिंग दिख रहा है, वॉट एवर उसकी वैल्यू 1 से अबव हो या 1 से बिलो हो, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर पीसीआर डिक्रीजिंग दिख रहा है आपको, तो आपको जो है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है, जहां से भी मार्केट ने प्रीवियस रिजेक्शन लिया है, अगर पीसीआर आपका डिक्रीजिंग मोड पे है, तो वापस से अगर मार्केट उन्हीं लेवल्स पर आता है, तो वहां से हमें क्या करना होता है, वहां से हमें पुट बाय करना होता है, यानी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी होती है। तो इतने इजीली
जो है आप इस प्रकार की ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं केवल पीसीआर के रिकॉर्ड को ट्रैक करके। अब एक और एडवांस चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपको ये नेकेड आई से इस प्रकार के रेजिस्टेंस देखने में तकलीफ होती है, क्योंकि चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता देगा यहां पर रेजिस्टेंस था। चार्ट बनने के टाइम पर मान लीजिए कि ये सिचुएशन चल रही है, यहां से मार्केट तेजी से नीचे गिरता हुआ आया है और यहां पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। अब आपको पता लगाना है, आपने देख लिया कि आपका पीसीआर भी डिक्रीजिंग है, आपको विद इन अ मिनट जो है बिल्कुल एक मिनट से भी कम समय में आपको पता लगाना है कि मार्केट कहां से गिर सकता है, कहां से मुझे बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। तो उसका तरीका बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आपको डर लगेगा मैं कहां से ट्रेड लूं, नेकेड आई में प्राइस एक्शन भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहां से ट्रेड लूं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली देखना है कि जिस लेवल पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास में खड़ा हुआ है, किस जगह पर खड़ा हुआ है। देखिए ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ग्रीन कैंडल आपकी बननी चालू हुई है। इन सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूं पहले। देखिए ये लगातार जो है मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, अब ये गिरावट के दौरान पहली ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि हल्का सा ये हाई मार रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हम कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो ये ग्रीन कैंडल कौन से लेवल से बनना चालू हुई है, किस जगह से बनना चालू हुई है, तो अगर आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो 48 100 की स्ट्राइक प्राइस के पास से ये कैंडल उठनी चालू हुई है, ये ग्रीन कैंडल बननी चालू हुई है 48 100 के पास से जो है ये कैंडल बननी चालू हुई है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको लेवल चाहिए कि मार्केट कहां से गिरेगा, किस जगह से मुझे सेल ऑन हाई की स्ट्रेटजी अपनानी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारी इस एडवांस ऑप्शन चेन पर आना है और इस एडवांस ऑप्शन चेन पर 48 100 के लेवल को ढूंढना है। देखिए ये 48 100 का लेवल है, जैसे ही ये लेवल आपको दिख जाता है इसके सामने आपको ये पुट पोटेंशियल एरिया दिखेगा, रेड कलर मतलब पुट बाय करने वाला एरिया, ग्रीन कलर मतलब कॉल बाय करने वाला एरिया, लेकिन हर कहीं कॉल बाय नहीं करनी होती। सो अगर इस ऑप्शन चेन को आपको डिटेल में सीखना है तो इस ऑप्शन चेन को सीखने के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं और इस शीट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, सीखने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री वेबिनार में आकर के सीख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमें लेवल कौन सा मिल रहा है, 48 158 का लेवल मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाकर के इस लेवल को अपने चार्ट पर प्लॉट कर देना है, 48 158 का लेवल जो है आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर देंगे। देखिए 48 158 यहां पर मैंने जो है इस लेवल को प्लॉट कर दिया, यहां पर हमने प्लॉट कर दिया। अब देखिए जब मार्केट इस लेवल पर अगेन से आ रहा है, इस लेवल पर अगेन से आ रहा है, तो यहां पर आपको तैयार रहना है मार्केट के अंदर पुट की ट्रेड लेने के लिए। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, आपका पीसीआर का डाटा जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर हम टाइम देखें यहां पर जिस जगह पर ये ट्रेड मिल रही है हमें 12:25 के पास में ये ट्रेड मिल रही है हमें 12:25 पर, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पीसीआर का डाटा कैसा मिल रहा है, पीसीआर का डाटा जो है आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है। देखिए इस लेवल पर जब पहले मार्केट यहां पर आया था, इसी लेवल पर जब पहले मार्केट यहां पर आया था यानी 11:10 पर, तो 11:10 पर पीसीआर का लेवल क्या था, पीसीआर का लेवल अगर हम देखेंगे 11:10 के आसपास, तो पीसीआर का लेवल जो है नियर अबाउट 8.2 के आसपास दिख रहा है आपको। तो पीसीआर जो है मॉर्निंग से ही कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग पीसीआर में आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। तो इस माध्यम इस तरीके से आप जो है सिर्फ एक मिनट से भी कम समय में मार्केट में लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं और इस प्रकार की सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी बताऊंगा, बाय ऑन डीप कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है, किस प्रकार से लेवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो आई होप आपको आज की ये पीसीआर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी माय डियर फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।